हेलो ब्यूटीफुल पीपल, सो वेलकम बैक टू द वीडियो एंड आप सभी का स्वागत करता है एक बार फिर से आपके प्यारे विशाल खजूरिया सर की क्लास में। तो हम करने वाले हैं आज करंट अफेयर का रिवीजन, जो हम करते हैं डेली करंट अफेयर। सुबह होती है मॉर्निंग में क्लास 8:01 में। तो आप सभी का स्वागत है जोरदार तरीके के साथ वीकली रिविजन फॉर HPPSC लेटेस्ट जो पैटर्न आया, कहते हैं कि 30 नंबर के नेशनल इंटरनेशनल अफेयर जो है वो उसमें पूछे जाएंगे। इसी के साथ अप्रैल प्लस मई 2023 नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। तो आप सभी का जबरदस्त स्वागत है संडे के सेशन में। लंबा सेशन होगा, यानी कि एक क्वेश्चन होगा, उसके साथ स्टैटिक जीके होगी। स्टैटिक जीके के साथ साथ जो आपके प्रीवियस पिछले साल के करंट अफेयर जो थे वो भी एज अ स्टैटिक जीके आपको करवाए जाएंगे कि इस देश ने क्या किया। तो आपके सामने दलाई लामा, विराट कोहली, डेविड वॉर्नर, नरेंद्र मोदी, विद्या बालन, सुखविंदर सिंह सुक्खू और हमदा यूसुफ जैसे कई कई हस्तियों के साथ आपकी जो मुलाकात और क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं, हिमाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात, गुजरात से लेकर के तमिलनाडु, तमिलनाडु से लेकर के वेस्ट बंगाल और कश्मीर तक आपके लिए सब सवाल हैं। और इंटरनेशनल के बाद चले ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तो हर एक देश के सवाल आपके सामने डाले गए हैं। तो रिविजन की शुरुआत करते हैं। टेस्ट है आपके, उससे पहले मोटिवेशन ऑफ द डे। टेस्ट है आपका, उससे पहले मोटिवेशन ऑफ द डे कह रहा है, क्या आपने कभी कोई सपना देखा है कभी कोई कि मेरे पास ना आकाश ऐसी चीज होगी एक दिन आने वाले टाइम में। अगर आपने सपना पाने की हिम्मत रखते हैं ना तो आपका हर सपना पूरा हो सकता है। तो कोई भी सपना अगर पाने की आप हिम्मत रखते हैं तो आपका सपना जरूर पूरा हो सकता है। इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल पीपल। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ही रहा, कहता है रिसेंटली ऑनर्ड विद एन ऑनररी पाल्मे डियोर। कहते हैं ना दिलजीत दोसांझ गाना है, ठीक है, थोड़ी काली है ते करीना कपूर, ठीक है, तेरे वर्गी ना कोई है कोई हो, ठीक है। तो उसके बाद ये लाइन बोलते हैं क्रिश्चियन डियोर, ठीक है। तो डियोर एक ब्रांड है, यहां पर है पाल्मे डियोर, वो क्रिश्चियन डियोर है, ये पाल्मे डियोर है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं 76 पाल्मे डियोर जो है कैनिस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड किसको मिला है, ठीक है, माइकल डुगलस, किरण नादिर, ठीक है, अहम नरेश पूनावाला, ठीक है, किसको मिला फटाफट से बताएंगे। समय समाज सौरभ कहते हैं माइकल डुगलस इसका राइट आंसर है, ऑप्शन माइकल डुगलस इसका राइट आंसर है। तो कहते हैं लंदन में मीरा सियाल को बाफ्टा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बाफ्टा कहां मिलता है, लंदन में मिलता है, ठीक है, लंदन में मिला है। लंदन कहां है, यूके में है। तो यूके में कितने देश है, सॉरी लंदन कहां है, इंग्लैंड में है, ठीक है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, इंग्लैंड जो है वो यूके में, यूके में चार देश है। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें कौन कौन से देश है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन और नीचे स्टैटिक जीके। मारिया स्टेपानोवा ने लिपिज बुक पुरस्कार जीता है। दलाई लामा को 64 साल बाद रेमन मगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विद्या बालन को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है वो मिला है। तो अगले सवाल का उत्तर करेंगे, ठीक है, चलिए। कहता हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है। हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली स्टारशिप रॉकेट जो है वो लॉन्च फेल हो गई है, फटाफट से बताएंगे। तो आप सभी के सामने 10 सेकंड का समय है, जल्दी से प्रणाम प्रणाम प्रणाम। समय आपका समाप्त हो। स्पेसएक्स इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी स्पेसएक्स इसका राइट आंसर है। तो हाल ही में जो रॉकेट लॉन्च फेल हुआ है वो स्पेसएक्स का हुआ है, ये अप्रैल महीने की बात है। स्पेसएक्स के जो ओनर है वो कौन है, ये एलॉन मस्क है। कौन है, एलॉन मस्क। ये कहां की कंपनी है, ये अमेरिका की रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है। तो हाल ही में इंडिया ने अमेरिका के साथ $300 बिलियन की कौन सी डील की है, हथियारों की डील की है। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया शाबाश। इस तरह से जो है वो आपका रॉकेट उड़ता है, इस तरह से धुआं धुआं हो जाता है। कहता हाल ही में ओलिवर डाउडन को किस देश का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में ओलिवर डाउडन को किस देश का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, फटाफट से बताएंगे। देखिए सेशन को लाइक कर दें, साथ ही साथ सेशन को लाइक कर दें, बहुत बढ़िया शाबाश। जल्दी से आंसर करेंगे, इतना समय नहीं है यार, इतना समय नहीं है। एलॉन मस्क, एलॉन मस्क, ठीक है, जल्दी से आंसर करें। सबका आंसर ऐसे नहीं करना यार, ऐसे नहीं करना, सबका आंसर आना चाहिए। समय समाप्त, यूके का राइट आंसर है, यूके का राइट आंसर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यूके के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। कौन है, ऋषि सुनक। तो यूके के उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ओलिवर डाउडन, ठीक है। तो यूके में चार देश आते हैं, आपने कमेंट सेक्शन में अभी बताया, आप में आता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स। तो स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हमजा यूसुफ बने हैं, हमजा यूसुफ,
ठीक है। यूके में हाल ही में भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ठीक है। चलिए कहता हाल ही में किस राज्य में किसान संपर्क अभियान शुरू किया गया है, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, फटाफट से बताइए। कहता हाल ही में किस राज्य में किसान संपर्क अभियान शुरू किया है, 10 सेकंड का समय, 10 सेकंड का समय ओनली, समय आपका समाप्त है। जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो है वो कौन है, सत्यपाल मलिक, सॉरी सॉरी सत्यपाल मलिक का ये नाम याद आ गया, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो है, ठीक है, मनोज सिन्हा है, मनोज सिन्हा है, तो सत्यपाल मलिक दिमाग में घूमते रहते हैं, ठीक है, बड़बोले बयानों की वजह से। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं, तो कहता है मनोज सिन्हा जो है वो इसके राज्यपाल हैं, तो अगर मैं कहता हूं इन्होंने ट्यूलिप, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है वो इसकी जो है वो क्या करेंगे, इस ट्यूलिप गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है जम्मू कश्मीर जो है वो खोला जाएगा। तो कहता है एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस श्रीनगर से शुरू हुई है, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित ध्वज लगाया जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में खुलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है हाल ही में किस कंपनी ने 5 लाख करोड़ का पूंजीकरण हासिल किया है, विच कंपनी हैज रिसेंटली अचीव द कैपिटलाइजेशन ऑफ 5 लाख करोड़, रिलायंस, अडानी, आईटीसी, एप्पल। बहुत बढ़िया शाबाश, बहुत बढ़िया, फटाफट से बताएंगे जल्दी से, 5 सेकंड का समय होगा आप सभी के पास, ठीक है। यस यस यस, हाँ केबल ब्रिज भी है, बहुत बढ़िया, ठीक है। समय आपका समय था, आईटीसी इसका राइट आंसर है, आईटीसी इसका राइट आंसर है। तो आईटीसी ने हाल ही में कंपनी ने 5 लाख करोड़ की पूंजीकरण हासिल करी है। हाल ही में किस देश की बहुपक्षीय अभ्यास इनोकॉस में भारतीय वायुसेना भाग लेगी, चीन, वियतनाम, फ्रांस, ग्रीस। हाल ही में किस देश के बहुपक्षीय अभ्यास इनोकॉस में भारतीय वायुसेना भाग लेगी, 10 सेकंड का समय आपके पास, फटाफट से बताएंगे। ठीक है, तो लाइक और लाइव इक्वल कर दो यार, 88 बच्चे लाइव हैं और 30 लाइक हैं, ये गलत बात है, लाइक और लाइव इक्वल कर दो। समय आपका समाप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर है आपका ग्रीस, इसका राइट आंसर, ग्रीस जो है उसकी राजधानी जो है वो एथेंस है, एथेंस इसकी राजधानी है ग्रीस की, ठीक है। क्या है ग्रीस की राजधानी, क्या है, एथेंस है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तुर्की के साथ लगता है, तुर्की के साथ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कहता है हाल ही में सीमा विवाद सुलझाने के लिए असम ने किस राज्य सरकार के साथ हस्ताक्षर किए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, फटाफट से बताएंगे शोभा चंद्र कुमार। हाल ही में सीमा विवाद सुलझाने के लिए असम ने किस राज्य सरकार के हस्ताक्षर किए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो समय आपका समाप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा आपका, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जल्दी से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। कहते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सियोल पुल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया है, प्रधानमंत्री ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन ईटानगर में किया है, ठीक है, डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन जो है वो ईटानगर में किया है। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशु टीकाकरण जो है वो शुरू किया गया है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पहली ड्रोन मध्यस्थता पशु टीकाकरण जो है वो शुरू किया गया है। कहता हाल ही में कहां पर G20 पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है, ऑस्ट्रेलिया, नई दिल्ली, इस्लामाबाद या बीजिंग, फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ अमित शाह जी ने किया है, रक्षा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ गृह मंत्री। समय आपका समाप्त हो, G20 पार्क जो है वो नई दिल्ली में स्थापित करने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। तो कहते हैं हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किस को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो चुना है, विराट कोहली, डेविड वॉर्नर, ऋषभ पंत, केएल राहुल, फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का, बहुत बढ़िया, हाँ प्रेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश, बहुत बढ़िया सौरभ, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो ऋषभ पंत इसका राइट आंसर होगा, ऋषभ पंत इसका राइट आंसर होगा, ऋषभ पंत की अगर हम बात करते हैं, ऋषभ पंत जो है वो स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर चुने हैं। डेविड वॉर्नर की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा आईपीएल के मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए, आईपीएल के सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी डेविड वॉर्नर बने। विराट कोहली की बात करो, विराट कोहली लग्जर के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए, लग्जर के ब्रांड एम्बेसडर, विराट कोहली लग्जर के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं, ठीक है, किसके ब्रांड एम्बेसडर, लग्जर के। विराट कोहली को HSBC का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, HSBC, ठीक है, किसका, HSBC का। KL राहुल 7000 रन बनाने वाले जो हैं सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं T20 में। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कहता है हाल ही में अज्ञात शवों का DNA डाटाबेस रखने वाला कौन सा राज्य बना है, हाल ही में अज्ञात शवों का DNA डाटाबेस रखने वाला कौन सा राज्य बना है, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, बेंगलुरु, फटाफट से बताएंगे जल्दी से, जल्दी से। कहता है हाल ही में अज्ञात शवों का DNA डाटाबेस रखने वाला कौन सा राज्य बना है,
जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, बेंगलुरु या हिमाचल प्रदेश? फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया कृषु पंडित, सुजाता मेहता, कमलेश, रितिका, अकनवर, नीलम मिश्रा, रवीना ठाकुर, बहुत बढ़िया शाबाश। समय आपका समाप्त है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। तो अगर मैं बात करूं तो हिमाचल सरकार ने डेयरी किसानों के लिए मदद के लिए संजीवनी योजना लॉन्च करी है, संजीवनी योजना लॉन्च करी है, यानी कि ठेकों से कहते हैं कि जो कऊ के जो गाय है उसके उसकी सहायता के लिए, यानी कि डेयरी किसानों की सहायता के लिए 10 रुपए का सेस भी रखा गया है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है, यूरोपियन जीआई टैग मिला है। मुलेठी की खेती करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। भारत में मुलेठी की खेती करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। बहुत बड़ी न्यूज है ये, इसको इग्नोर मत करिएगा। मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। त्रिलोक सिंह चौहान जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट नियुक्त किए गए हैं। अब सर एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है? सर इसको चीफ जस्टिस तो ठीक है, इसके आगे एक्टिंग क्यों लिखा है? यानी कि जब चीफ जस्टिस की कुर्सी खाली हो उसके पद पर थोड़े दिनों के लिए जो तैनात किया जाता है उसको एक्टिंग चीफ जस्टिस कहते हैं। तो त्रिलोक सिंह चौहान इसका राइट आंसर है। त्रिलोक सिंह चौहान अपॉइंट एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। मुलेठी की खेती पहले अफगानिस्तान में होती थी, पहले अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया था, अब भारत में यहां पर शुरू होगी, हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुकी है। ठीक है, और भांग की खेती को हिमाचल प्रदेश में मंजूरी मिलने वाली है। भांग की खेती को हिमाचल प्रदेश में मंजूरी मिलने वाली, यानी कि नौकरियां कम लगेगी, भांग ज्यादा पी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कहता हाल ही में कौन सा बैंक डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक। फटाफट बहुत बढ़िया। डिंपल ठाकुर, रंजू शर्मा, कृष्ण रुद्रांश, सपना, नीतू जरियाल, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाल ही में तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज राइट आंसर। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज राइट आंसर। तो बताइए स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताएंगे कोई कमेंट। तो स्टेट बैंक जो है वो डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, एसबीआई की सबसे ज्यादा ब्रांचेस है, ठीक है, विश्व भर में। कहता है हाल ही में जुजुत्सु इंटरनेशनल में की विश्व चैंपियनशिप में किसे प्रतिनिधि चुना गया है? ताशीर वत्सन, अरुण आफ्ताब, सबकत मलिक, इनमें से कोई भी नहीं। और ये सपना देवी, योगेश, रंजू, ललिता, रघुवंशी, मोंटी सिंह ठाकुर, देविंदर, वन एल कुमार, दीक्षा मांडव, कन्वर, बसंत, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। हेनरी केवल, किन्नौर वाले, पंखुड़ी, सुजाता मेहता, सौरभ, कमलेश, सपना। तो हाल ही में जुजुत्सु इंटरनेशनल में की विश्व चैंपियनशिप में किसे प्रतिनिधि चुना गया है? सबकत मलिक जो है इसका राइट आंसर। सबकत मलिक जो है वो अभी 20 साल की लड़की है, जो बॉक्सर है। ठीक है, बॉक्सर है। ये कहां से है? जम्मू कश्मीर से। ठीक है, जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले से है, बांदीपुरा जिले से है। ठीक है, तो कौन है? सबकत मलिक को जुजुत्सु इंटरनेशनल में विश्व चैंपियनशिप में जो सबकत मलिक को जो है वो चुना गया है, ऑप्शन सी। कहता हाल ही में कौन सा आईआईटी तंजानिया में पहला अंतरराष्ट्रीय कैंप खोलेगा? ठीक है, कहता है विच आईआईटी विल सेटअप इट्स फर्स्ट आईआईटी इंटरनेशनल कैंप इन तंजानिया? फटाफट से आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, मद्रास, दिल्ली। फटाफट से बहुत बढ़िया शाबाश। बांदीपुरा, बांदीपुरा, यस। कहता है हाल ही में कौन सा आईआईटी तंजानिया में पहली अंतरराष्ट्रीय जो है अपनी कैंप जो है वो खोलेगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास इसका राइट आंसर है। ठीक है, आईआईटी मद्रास इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो अगर मैं तंजानिया की बात करता हूं तो तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोमा। तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोमा। तो करेंसी क्या है? शिलिंग इसकी करेंसी है, तंजानिया शिलिंग इसकी करेंसी है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट कौन सा इसका? अफ्रीका इसका कॉन्टिनेंट है। कहता हाल ही में नारायण प्रकाश साउद किस देश के विदेश मंत्री बने? हाल ही में नारायण प्रकाश साउद किस देश के विदेश मंत्री बने? स्पेन के, नेपाल के, इंडिया के, फ्रांस के? फटाफट से बताएंगे। हाल ही में नारायण प्रकाश साउद किस देश के विदेश मंत्री बने हैं? स्पेन के, नेपाल के, इंडिया के, फ्रांस के? फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया शिवानी वर्मा, सपना, डिंपल, रंजू, योगेश शर्मा, कृष्ण पंडित, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त हो। तो नेपाल इसका राइट आंसर। नेपाल की राजधानी मठखंडू है, यानी कि काठमांडू है। ठीक है, काठमांडू। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो नेपाल में घोड़े जोड़ो यात्रा ललितपुर में मनाई गई। भारत में भारत जोड़ो होती है, नेपाल में घोड़े जोड़ो यात्रा होती है। ठीक है, तो ललितपुर में मनाई गई। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पुंडेला बने हैं। इनका नाम लिख दे कमेंट सेक्शन में, याद हो जाएगा। कहते नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पुंडेला जो बने हैं, क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है।
क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है। कहते हैं भारतीय सेना को चीनी भाषा पढ़ने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता हुआ है? भारतीय सेना को चीनी भाषा पढ़ने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता हुआ है? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, तेजपुर विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय? फटाफट से बताएं, जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, हेनरी कैवल, दीक्षा मांडव, नीतू जरियाल, रंजू शर्मा, प्रिया तोमर, रितिका ओना, पंखुड़ी, बहुत बढ़िया, ठीक है, श्रुति ठाकुर, बहुत बढ़िया। सर आपको सर तेजपुर यूनिवर्सिटी से राइट आंसर। तेजपुर यूनिवर्सिटी जो है वो कहां पर है? असम में, तो असम में है आपकी तेजपुर यूनिवर्सिटी। तो भारतीय सेना ने चीनी भाषा पढ़ने के लिए तेजपुर विश्वविद्यालय के साथ जो है वो समझौता किया है, यानी कि अब भारतीय सेना चीनी भाषा सीखेगी और उनको छाव माओ खाओ खाओ का जवाब जो है वो भरपूर मात्रा में देगी, ठीक है। चलिए, कहता हाल ही में श्रमिक दिवस कब मनाया गया? 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 1 मई, 30 मई। देखो ये सवाल आया, इतने भयंकर सवाल आएंगे आपको, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे आया करो, ये सारे सवाल आपको आ जाएंगे, सब लोग आते हैं, ठीक है। 100 से 120 बच्चा डेली आता है, ठीक है, और वीडियो को 1000 से 1500 लोग जरूर देखते हैं डेली का, और आप भी देखा करें, डेली लाइव आया करें, ठीक है। तो हाल ही में श्रमिक दिवस कब मनाया गया? बहुत बढ़िया, समय आपका समाप्त हुआ, तो 1 मई को मनाया गया है। हाल ही में श्रमिक दिवस कब मनाया गया? 1 मई को मनाया गया है। 1 मई को श्रमिक दिवस या मई डे बोलते हैं, ठीक है। तो 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी होता है, 1 मई को गुजरात दिवस भी होता है। आगे कहता है हाल ही में सेंटियागो पीना ने किस देश के प्रेसिडेंट का चुनाव जीता है? हाल ही में सेंटियागो पीना ने किस देश के प्रेसिडेंट का चुनाव जीता है? यूक्रेन, इटली, पैराग्वे, पाकिस्तान? फटाफट से बताएंगे। हाँ, लाइव और लाइक इक्वल कर दो यार, आप लाइव चले हैं 110 लाइव चले हैं और लाइक जो है वो आपके 80 भी नहीं पहुंचे अभी तक। समय आपका समाप्त हुआ, हाल ही में सेंटियागो पीना ने किस देश के प्रेसिडेंट का चुनाव जीता है? तो मिगुएल, जो आपके सॉरी ठीक है आपके पैराग्वे का राइट आंसर है, पैराग्वे का राइट आंसर है, पैराग्वे का राइट आंसर है, पैराग्वे की राजधानी बताइए। तो कहते हैं हाल ही में सेंटियागो पीना ने पैराग्वे का प्रेसिडेंट चुनाव जो है वो जीता है, ठीक है। तो कहता है मिगुएल डियास कैनाल जो आप लोगों के दूसरे कार्यकाल में क्यूबा के राष्ट्रपति बने हैं, कहां के? क्यूबा के, मिगुएल डियास कैनाल। शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान को यूएई के नए उपराष्ट्रपति बने, यानी कि ठीक है उपराष्ट्रपति, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। हमजा यूसुफ पाकिस्तान मूल के प्रधानमंत्री स्कॉटलैंड में बने हैं, हमजा यूसुफ पाकिस्तान मूल के प्रधानमंत्री स्कॉटलैंड में बने हैं। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव चुने गए हैं, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति, तीसरे राम सहाय प्रसाद यादव चुने गए हैं। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह को कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह को कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अथानी को कतर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो आपके सामने पैराग्वे, पैराग्वे की राजधानी बताइए, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट कमेंट सेक्शन। कहता हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खड कहां तैयार किया गया है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा? हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज अंजी खड कहां तैयार किया गया है? फटाफट से बताएंगे, ठीक है। इनके नाम सेम सेम है। समय आपका सवाल है, जम्मू कश्मीर राइट आंसर। जम्मू कश्मीर में हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज जो है अंजीगढ़ में तैयार किया है, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत है, आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं मनोज सिन्हा ने ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी साइकिल रेस जो है, सबसे लंबी साइकिल श्रीनगर में हुई है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में खुलेगा। जम्मू कश्मीर में डोडा में सबसे ऊंची प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय ने पहली बार स्नो मैराथन का आयोजन जो है जम्मू कश्मीर में किया है। एशिया की सबसे बड़ी साइकिल रेस जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित हुई है। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड जम्मू कश्मीर को मिला है। भारत के जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं, ठीक है। ये पिछले साल का भी कवर हो गया, यानी कि जो अभी 4-5 महीने पहले की बात है। तो आपके सामने भारत के जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में परमाणु ऊर्जा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करणपुरी, एके महंती, शशि शेखर वेम्पति या इनमें से कोई? हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ठीक है, चलिए,
समय समाप्त हुआ तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ए के मोहंती इसका राइट आंसर है, ए के मोहंती इनका राइट आंसर है, ए के मोहंती, ठीक है, ए के मोहंती। तो साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष पंकज सिंह चुने गए हैं, साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष पंकज सिंह। पंकज सिंह कौन है? पंकज सिंह राजनाथ जी के बेटे हैं, राजनाथ सिंह जो हमारे क्या है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री है, ठीक है, रक्षा मंत्री है। और आप लोगों के जो पंकज सिंह है ये नोएडा से सांसद है, एमएलए है, नोएडा से एमएलए है, एमएलए फ्रॉम नोएडा, ठीक है। तो पंकज सिंह को साइकिलिंग महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। तो नेस्कॉम के नए अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी जो है वो चुने गए, ठीक है, बराबर। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी जो है चुने गए। हाल ही में कौन सा मालदीव्स के तीन दिवसीय, ठीक है, दौरे पर, हाल ही में कौन मालदीव्स के तीन दिवसीय दौरे पर गए? राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा। कहता हाल ही में मालदीव्स के तीन दिवसीय दौरे पर गए हैं। मालदीव्स की राजधानी माले है, ठीक है, माले है, तो इंडिया से ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, तो इस साइड बनता है आपका मालदीव्स, ठीक है, ये आपका श्रीलंका है, ये आपका मालदीव, तो मालदीव्स की राजधानी, तो राजनाथ सिंह इसका राइट आंसर है। यहां से लौट आए हैं, ठीक है, संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि तुम कब आओगे, तो 3 दिन के बाद आऊंगा, ठीक है। तो इस तरह आपके सामने दिखते हुए, ठीक है, चले आओ। कहता हाल ही में यूरोप में रिफाइंड तेल का सबसे बड़ा सप्लायर कौन बना है? हाल ही में यूरोप में रिफाइंड तेल का सबसे बड़ा सप्लायर कौन बना है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या रूस? फटाफट से बताएंगे। हाल ही में यूरोप रिफाइंड तेल का सबसे बड़ा आपूर्तकर्ता है, यानी कि सप्लायर कौन बना है? समय समाप्त, भारत बना है, भारत ऑप्शन है, इंडिया राइट आंसर। तो इंडिया की उपलब्धियां ही जानते हैं, ठीक है। तो कहता है डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा पायलट, महिला पायलट भारत में है। बहुत बड़ी बात है, महिला सशक्तिकरण, भारत के लोग बेइज्जती करते हैं तो भारत सबसे आगे है। महिला पायलट, डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में है। एरिक गर्सेती भारत में अमेरिकी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। एरिक गर्सेती भारत में अमेरिकी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अभ्यास लापरोस, लापरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन भारत द्वारा किया गया है। अभ्यास जो एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, लापरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन भारत द्वारा किया गया है। हाल ही में आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में सबसे नंबर वन रहा है? ठीक है, यानी कि बाजार उधारी में सबसे नंबर वन रहा है, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, बहुत बढ़िया चीकू ठाकुर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सेशन को लाइक कर देना यार, साथ साथ ही साथ सेशन को लाइक कर दी, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर जो है क्या आएगा, फटाफट से बताओ। तमिलनाडु इसका राइट आंसर रहेगा, तमिलनाडु इसका राइट आंसर रहेगा। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, फटाफट से बताओ, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, तमिलनाडु की कैपिटल बताइए शाबाश इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो तमिलनाडु के बारे में चर्चा करते हैं, तमिलनाडु के नाम पर कहता है कि तमिलनाडु की मनामदुरई मिट्टी को जीआई टैग मिला है। हाल ही में तमिलनाडु की मनामदुरई मिट्टी को, मनामदुरई, मनामदुरई नीचे लिख दो कमेंट सेक्शन में, मनामदुरई, हाल ही में तमिलनाडु की मनामदुरई मिट्टी को जीआई टैग मिला है। हाल ही में तमिलनाडु के कुंभ अंगूर को, ठीक है, कुंभ अंगूर को जीआई टैग मिला है। हाल ही में मनामदुरई मिट्टी को जीआई टैग मिला है। हाल ही में कुंभ अंगूर को, ठीक है, अंगूर खट्टे नहीं, अंगूर मिट्टे हैं, अंगूर को जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो कहते हैं तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु में ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन की लॉन्च की है। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चिंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट, ठीक है, चिंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। पूरे देश में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन तमिलनाडु में हुआ है। कहते हैं जलीकट्टू, जलीकट्टू होता है कि ऐसे, जलीकट्टू क्या होता है, इतने बड़े बड़े सींग होते हैं, ठीक है, ये सांड के सींग होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं सांड के सींग, ठीक है। तो सांड होता है इस तरीके का, ये उसकी आंख है, ये कुछ और ही बन गया, पर ये सींग पे जाओ, ठीक है, इसकी ड्राइंग पे मत जाओ। तो सींग जो होते हैं वो ऐसे करके उठाते हैं, ये त्योहार होता है, जैसे स्पेन में नहीं होता बुल फाइट जिसको बोलते हैं, बुल आया और गया, वो उठा देता है बंदों को। तो जलीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है।
तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। TX2 एक अवार्ड होता है जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को अवार्ड दिया गया है। कहता हाल ही में डिंग लेरेन विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं, जापान के बने हैं, फिलीपींस बने हैं, चीन के बने हैं, अफ्रीका के बने हैं। बहुत बढ़िया डिंपल ठाकुर, फिश उत्पादन में भी सबसे ज्यादा तमिलनाडु बना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चीकू ठाकुर, बहुत बढ़िया शाबाश, एक्सेलेंट इन द कमेंट सेक्शन। हाल ही में डिंग लेरेन विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो ये है चाइना के बने हैं। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। ठीक है, तो चाइना की करेंसी क्या है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। समय समाप्त हुआ। कहते हैं चीन ने फेंगयान 3 उपग्रह लॉन्च किया, सैटेलाइट। कहता है सेल्फ मेड बिलियनर में चीन ने टॉप किया है सबसे ज्यादा, जो खुद अमीर बने हैं, बिलियनर जो बने हैं उसमें चाइना ने सबसे पहले बाजी मारी है। चीन ने अमेरिका में अपना दूत चीन गोंग को नया विदेश मंत्री नियुक्त किया। चीन ने अपने अपने दूत चीन गोंग को नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, तो चाइना के बारे में, चाइना की राजधानी बीजिंग, युआन है। बहुत बढ़िया रिया राघवा, योगेश, सोनू, चीकू, रितु, बहुत बढ़िया। कहता हाल ही में महाराष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? 1 मई, 2 मई, 30 अप्रैल या 1 जनवरी? युआन मुद्रा, बहुत बढ़िया रंजू शर्मा, सुजाता मेहता। जो लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर पाएंगे। ठीक है, जो लोग कमेंट नहीं कर पा रहे सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर पाएंगे। समय आपका समाप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आप इस बात को याद रखें, 1 दिवस को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है, 1 मई को गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, गुजरात दिवस, तो महाराष्ट्र दिवस, गुजरात दिवस, 1 मई को। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर डे भी मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, महाराष्ट्र दिवस, जय महाराष्ट्र। ठीक है, कामगार देवसाचा, हार्दिक शुभेच्छा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। कहता हाल ही में कहां फूड कंक्लेव 2023 का आयोजन किया गया है? मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद या इनमें से कोई भी? कहता हाल ही में फूड कंक्लेव 2023 का आयोजन जो है वो किया गया है। सेशन को लाइक कर दे साथ ही साथ, बहुत बढ़िया। हाँ, ऑन मई 1960 गुजरात एंड महाराष्ट्र वर सेपरेटेड, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त हुआ। तो ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर, फूड कॉन्क्लेव कहां आयोजित किया गया है? बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे शवश, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन सी, हैदराबाद इसका राइट आंसर। ठीक है, हैदराबाद इसका राइट आंसर। कहता है हाल ही में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? सर्जियो परेज, मैक्स वर्स्टापन, चार्ल्स वर्स्टापन, चार्ल्स लेकर या इनमें से कोई भी नहीं? फटाफट से बताएंगे। कहता हाल ही में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो है वो 2023 किसने, जो वो जो 10-10 करोड़ की गाड़ी नहीं होती है, जो क्या बोलते हैं, जिसमें एक ही बंदा बैठता है, सिंगल सीटर जिसमें होती है। ठीक है, जो वो जीता है ग्रैंड प्रिक्स 2023। समय समाप्त हुआ। सर्जियो परेज इसका राइट आंसर, सर्जियो परेज इसका राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया शाबाश, सर्जियो परेज इसका राइट आंसर है। कहता हाल ही में इंफोसिस को पीछे छोड़कर भारत की सबसे छठी मूल्यांकन कंपनी कौन सी बनी है? इंफोसिस को छोड़कर, इंफोसिस एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसको पीछे छोड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यांकन कंपनी कौन सी बनी है? HCL, विप्रो, ITC या इनमें से कोई भी नहीं? फटाफट से बताएं। हाँ, फॉर्मूला वन रेसिंग, बहुत बढ़िया, सोनू भारद्वाज, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था, बहुत बढ़िया। कहता हाल ही में इंफोसिस को पीछे छोड़कर भारत की सबसे छठी कंपनी मूल्यांकन कंपनी कौन सी बनी है? समय आपका समाप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर ITC, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, HPGK, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऑल क्लासेस इन जस्ट 49 रुपीज। नीचे नंबर दिया है 9622 50 70, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल सेशन को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसकी जानकारी लास्ट में बताऊंगा। कहता है हाल ही में जीत गड़ी पर्व मनाया गया है, भारत में, बांग्लादेश में, भूटान में, नेपाल में? फटाफट से बताएंगे। कहता हाल ही में जीत गड़ी पर्व मनाया गया है, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल? फटाफट से बताएंगे, क्विक करेंगे। समय आपका समाप्त है। नेपाल में मनाया गया जीत गड़ी पर्व जो है वो नेपाल में मनाया गया है। ठीक है, नेपाल में ACC ट्रॉफी जो है वो इन्होंने जीती। हाल ही में नेपाल ने ACC ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीती है, UAE के साथ इनका फाइनल मैच था। ठीक है, तो आप बताइए नेपाल के राष्ट्रपति का नाम बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। नेपाल की राजधानी बताइए, बहुत बढ़िया। कहता है हाल ही में किस स्टेट में 4G मोबाइल टॉवर देश को
राज्य को समर्पित किया है। हाल ही में किस स्टेट में 4G टावर जो है समर्पित किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट? सिक्किम, मेघालय, असम या अरुणाचल प्रदेश? फटाफट समय आपका समाप्त हुआ, तो ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कमेंट सेक्शन बता दीजिए। बहुत बढ़िया। कहता हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा, रिस्की पोंटिंग। हाँ बहुत बढ़िया, रामचंद्र पोंडेला, काठमांडू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, ठीक है शाबाश। समय आपका समाप्त हुआ, समय आपका समाप्त हुआ, समय आपका समाप्त। तो अगर मैं बात करूं जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो आपके रोहित शर्मा, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। विराट कोहली को वाईकॉम 18 के, सॉरी सॉरी, विराट कोहली को नहीं, MS धोनी को वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। वाईकॉम 18 MS धोनी, सबके लिखिए शाबाश, MS धोनी सबके लिखिए, MS धोनी को वाईकॉम 18 के किया गया है। वाईकॉम 18 के जो है ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को चुना गया है। अगर मैं बात करता हूं विराट कोहली की, विराट कोहली को HSBC का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। HSBC, ठीक है, HSBC। विराट कोहली को लग्जर का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। रोहित शर्मा को जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। सूर्य कुमार यादव को जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। रोहित सॉरी ऋषभ पंत को, ऋषभ पंत को स्टार स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, ऋषभ पंत को स्टार स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, बराबर। तो KBM मसाले, KBM स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर प्रणीति चोपड़ा बनी है। KBM स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर प्रणीति चोपड़ा बनी है। ठीक है, बराबर बराबर से आगे बढ़े। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। रणवीर सिंह को पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, ये भी लिख लो। ठीक है, रणवीर सिंह को पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। रणवीर सिंह को पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, चलिए। कहता हाल ही में कौन सा स्टेट तालाबों और जलाशयों की सूची में सबसे ऊपर आ गया है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। फटाफट से बताएं। कहता हाल ही में कौन सा स्टेट तालाबों और जलाशयों की सूची में सबसे ऊपर आ गया है? हाँ, स्टार स्पोर्ट्स के ऋषभ पंत। ठीक है, हाँ, प्रणीति चोपड़ा, पेप्सी। यस समय, हाँ कह रहे हैं कि ये तो जोमेटो पे भी आता है। देखिए अलग अलग होते हैं। अब विराट कोहली को दो चीजों का ब्रांड, विराट कोहली प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर है, HSBC के भी है, तो अलग अलग कंपनीज होती है, पर मार्केट सेम नहीं होना चाहिए। समय समाप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर जो वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल जो इसकी राजधानी कोलकाता है, पहले इसका नाम कलकत्ता हुआ करता था, अब कोलकाता है। ममता बनर्जी इसकी मुख्यमंत्री है और फिशिंग कैट जो होती है ये इनका ऑफिशियल एनिमल है। कहता है हाल ही में किसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ मिलिट्री एडवाइजर टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी। अमित मिश्रा, जयदीप सिंह, संदीप सिंह या विशाल खजूरिया? फटाफट से बताएंगे। कहता हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ मिलिट्री एडवाइजर टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी। फटाफट से बताएंगे। समय आपका समाप्त हुआ, तो ऑप्शन सी संदीप सिंह इसका राइट आंसर है। संदीप सिंह को हाल ही में सैन्य सलाहकार सचिवालय के रूप में नियुक्त किया गया, ऑप्शन सी संदीप सिंह इसका राइट आंसर है। कहते हैं मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस बट्टू देवानंद ने अतिरिक्त जज के रूप में शपथ ली है। कहते हैं मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस बट्टू ने अतिरिक्त जज के रूप में शपथ ली है। त्रिलोक सिंह चौहान हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एक्टिंग ऑफिसर ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। कहता है त्रिलोक सिंह चौहान को चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश नियुक्त किया गया है। तो नियुक्तियां यहां पर बताई जा रही हैं। ठीक है, तो सैन्य सलाहकार के रूप में संदीप सिंह को, जस्टिस बट्टू देवानंद को अतिरिक्त जज के रूप में मद्रास हाईकोर्ट में, और त्रिलोक सिंह चौहान को एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में दिया गया है। कहता हाल ही में किस देश से भारत ने $300 मिलियन का हथियार खरीदे? हाल ही में किस देश से भारत ने $300 मिलियन के हथियार खरीदे हैं? अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया श्रुति, शाबाश, स्टार्टिंग में लाइक कर दिया, बहुत बढ़िया। कहता हाल ही में किस देश ने भारत से $300 मिलियन के हथियार खरीदे हैं? अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका की अगर हम बात करते हो, हाल ही में अमेरिका ने क्या क्या किया? अमेरिका की राजधानी है Washington DC। ठीक है, Washington DC। आगे बढ़ते हैं। कहता है
ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में हरून द्वारा जारी की गई सूची में अमेरिका शीर्ष पर रहा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, यूनिकॉर्न क्या होता है, जो कंपनी 7000 करोड़ रुपए का मार्केट वैल्यूएशन कवर कर लेती है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो है वो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। तो आप बताइए भारत की कौन सी स्थिति रही है, जल्दी से बताएंगे अंदर कमेंट सेक्शन। कहते हैं वर्ष 2023 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश जो है वो कौन बना है, अमेरिका बना है। सबसे पहले पहले कौन सा होता था, चाइना होता था, ठीक है, ठीक है, पहले चाइना होता था, अब सबसे ज्यादा व्यापार, सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका के साथ होता है, हथियारों से लेकर के सब कुछ। हाल ही में भारत का सबसे पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन कहां लॉन्च किया गया है, दिल्ली में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, फटाफट से बनाएंगे। कहता हाल ही में भारत का सबसे पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन कहां लॉन्च किया गया है, हाल ही में भारत का सबसे पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन कहां लॉन्च किया गया है, तो समय समाप्त हुआ, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी जो है वो है आपकी भुवनेश्वर, क्या है, भुवनेश्वर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो आप बताइए एक मिनट, इनके इनके गवर्नर, ठीक है, इनके गवर्नर का नाम बताइए, गवर्नर का नाम बताइए, फटाफट से बताएंगे, उड़ीसा के गवर्नर का नाम बताइए, मुख्यमंत्री का नाम बताइए, ठीक है, उसका नाम लूंगा, बहुत बढ़िया, शिल्पा वालिया, प्रियंका, बहुत बढ़िया, पंखुड़ी, चिक्कू ठाकुर, सौरभ शर्मा, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। कह रहा हाल ही में जीरो शैडो डे का अनुभव कहां किया गया है, अगर आप डेली हमारी क्लास लगाते होंगे तो आपको ये सवाल आ रहे होंगे, हाल ही में जीरो शैडो डे का अनुभव कहां किया है, ऊना हिमाचल में, रोपड़ पंजाब में, दौसा राजस्थान में, या बेंगलुरु कर्नाटक में। सीएम नवीन पटनायक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। गणेशी लाल जो है वो गवर्नर, बहुत बढ़िया। दीक्षा मांडव से उत्तर करती हुई, दीक्षा मांडव से उत्तर, बहुत बढ़िया। सुजाता मेहता, कन्वर बसंत, सपना देवी, मॉन्टी सिंह ठाकुर, जैक स्पैरो, बहुत बढ़िया, रिया राघवा, विशु, बहुत बढ़िया, शौश, कन्वर बसंत, मीनू राज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सोनू भारद्वाज। हाँ, कहते हाल ही में जीरो शैडो डे बेंगलुरु में मनाया गया, ऑप्शन बेंगलुरु। कहता हाल ही में 900 फीट के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है, हाल ही में 900 फीट गहरे दूसरे सबसे ब्लू होल का खुलासा किया गया है, अर्जेंटीना, चिली, मेक्सिको, ब्राजील, फटाफट से बताएं। हाल ही में 900 फीट के दूसरे सबसे बड़े गहरे ब्लू होल का खुलासा किया है। सर व्हाट इज द, अर्चना कुमारी कहते सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो शैडो डे। देखिए जीरो शैडो डे की अगर हम बात करते हैं, जीरो शैडो डे वो होता है जब हमारे सर के ऊपर, देखिए 12:34 हुए थे उस दिन की बात है, ठीक है, ये अप्रैल महीने की बात है, तो 12:34 हुए थे, तो लोग खड़े थे, जब सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है, हमारे सर के ऊपर होता है तो लोग नीचे खड़े हैं, उनकी कोई भी शैडो नहीं बनती, तो सूर्य जब हमारे सिर के ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो ये हाल अक्सर बेंगलोर में देखा जाता है, तो ये हर साल में आता है, ये दिन आता है, और जीरो शैडो डे होता है जब हमारे सिर के ऊपर सूर्य आ जाता है और कोई भी शैडो नहीं बनती, ठीक है, तो इस दिन जो है वो बेंगलोर में हाल ही में जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया है। चलिए कहता है हो गया समय समाप्त, ऑप्शन सी मेक्सिको, तो कहता आजा मेक्सिको, चलिए ठीक है, चलिए। कहता हाल ही में किस राज्य की मनामदुरई मिट्टी को जीआई टैग मिला है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हैदराबाद, तमिलनाडु। कहता हाल ही में किस राज्य की मनामदुरई मिट्टी को जीआई टैग मिला है, कहते अभिजीत भादवा कहते सर नीचे बनती है, नीचे तो बनेगी, साइड में नहीं बनेगी। हाल ही में मनामदुरई मिट्टी को कहां का, तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, ठीक है, चेन्नई का पुराना नाम क्या बताओ, से तो आपको पता होगा हाइब्रिड रॉकेट चंगलपट्टू तमिलनाडु का, हाइब्रिड रॉकेट चंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च किया है, जीआई टैग मिला है कुंभ अंगूर को, मनामदुरई मिट्टी को जीआई टैग मिला है। हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल ने जो ऑनलाइन बैटिंग सिस्टम है उसके खिलाफ, उसके ऊपर जो है वो हस्ताक्षर में साइन कर दिए, ठीक है, ऑनलाइन जो है उसमें हस्ताक्षर कर दिए। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहां बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंस्पेक्टर का सफल परीक्षण किया, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहां बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंस्पेक्टर का सफल परीक्षण किया है, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार।
तो हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहां बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंस्पेक्टर का सफल परीक्षण किया है? तो इसका समाप्त ऑप्शन है उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ठीक है, तो बहुत बढ़िया, गणेशी लाल जो है गवर्नर। हाल ही में माना गांव को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। फटाफट से, हाल ही में माना गांव को पहला भारतीय गांव जो है वो घोषित किया गया है, तो हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। फटाफट से बताएंगे, समय समाप्त हुआ, उत्तराखंड इसका राइट आंसर है। हाल ही में उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो गया, केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ में लैंडस्लाइड हो गया उत्तराखंड में, राइट आंसर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ठीक है, देहरादून। तो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, गुरमीत सिंह गवर्नर यूके। तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, कमेंट सेक्शन बता दीजिए। कहता हाल ही में शोधकर्ताओं ने नियंत्रित दवा वितरण के लिए नैनो क्ले के साथ टाइम बम जो है वो लिक्विड मार्बल विकसित किया, आईआईटी मुंबई, गुवाहाटी, कानपुर, मंडी। यस यस, बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, माना गांव होता है, बहुत बड़े, डिंपल ठाकुर बोल रहे हैं। समय आपका समाप्त हुआ, तो ऑप्शन बी आईआईटी गुवाहाटी इसका राइट आंसर है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत, वंदे भारत मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंदे भारत मेट्रो को हरी झंडी, कोच्चि में है, तिरुवनंतपुरम में है, मरावेश्वरम है, चेन्नई में, फटाफट से बताएं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंदे भारत मेट्रो को हरी झंडी दिखाई, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, रामेश्वरम, चेन्नई, फटाफट से। बहुत बढ़िया, समय आपका समाप्त हुआ, तिरुवनंतपुरम इसका राइट आंसर है। तिरुवनंतपुरम जो है वो केरला में है, ठीक है, केरला में है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंदे भारत मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाटर मेट्रो कोची में करी है, कोची, कोची भी लॉन्च करी है, वाटर मेट्रो, वाटर मेट्रो भी कोची में है। कोची कहाँ है, कोची भी केरला में, कोची टस्कर्स केरला, आईपीएल की टीम थी एक। कहते किस देश के तटरक्षक नई दिल्ली में बैठे बैठक जो है उन्होंने करी है, किस देश के तटरक्षकों ने नई दिल्ली में बैठक करी है, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, चिली। बहुत बढ़िया, सौरभ पुनियाल सही आंसर करते हैं, बहुत बढ़िया। मीनू राज, सोनू भारद्वाज, सपना देवी, चीकू ठाकुर, दीक्षा मांडव, रंजू शर्मा, किन्नौर वाले, टिम्बल, बहुत बढ़िया। समय समाप्त हुआ, किस देश के, तो साउथ कोरिया से, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, साउथ कोरिया की राजधानी आपने कहे होंगे भरत में सियोल, तो वही होते हैं, सियोल इसकी राजधानी है। कहता हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में, इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट से बताएंगे, क्विक इन द कमेंट सेक्शन। कहता हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया, समय आपका समाप्त हुआ, ऑप्शन है मुंबई इसका राइट आंसर है, मुंबई, ठीक है, मुंबई में। कहता शारजा स्टेडियम में किस खिलाड़ी के नाम पर स्टैंड का नाम बना है, विराट कोहली स्टैंड, सचिन तेंदुलकर स्टैंड, क्रिस गेले स्टैंड, या विविन रिचर्ड्स, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन। देखिए सेशन को लाइक कर दें, जितने लाइव हो उतने लाइक हो जाने चाहिए, देख बराबरी का, देखो बराबरी कहता है कर दो यार, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर मैं बार बार बोलूंगा तुम बीच में डिस्टर्ब हो गए मुझे, अच्छा अटेंडेंस लगा दिया करो, ठीक है, सेशन को लाइक करना होता है। तो शारजा स्टेडियम जो है वो कहां पर है, ये आपका दुबई में है, दुबई में है। हाल ही में शारजा स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिवस पर शारजा स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर का नाम सचिन तेंदुलकर गेट रखा गया है। हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, SCG, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, इसको हाल ही में इसको क्या किया गया, यहां पर भी सचिन तेंदुलकर गेट का नाम रखा गया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने, भुवनेश्वर कुमार, शाकिब अल हसन, जसप्रीत बुमराह, या शाहीन शाह अफरीदी।
हाल ही में T20 नेशनल इंटरनेशनल में 200 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? समय आपका समाप्त है। शाहीन शाह अफरीदी इसका सही उत्तर है। शाहीन शाह अफरीदी इसका सही उत्तर है। तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, ठीक है, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। तो हाल ही में केएल राहुल ने सबसे तेज T20 7000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। कहता हाल ही में किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल जो है परियोजना प्रारंभ करेगी? हाल ही में किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना प्रारंभ करेगी? बेल्जियम, अर्जेंटीना, चिली, पापुआ न्यू गिनिया। देखिए शाकिब अल हसन अब बांग्लादेश के बने हैं, ठीक है, थीके? उन्होंने 300 विकेट लिए। समय समाप्त हुआ। बेल्जियम इसका राइट आंसर है। बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम इसका राइट आंसर है। बायोडीजल जो है योजना प्रारंभ करेगी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5G ट्रांसमिशन स्कूल की शुरुआत करी है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5G स्कूल ट्रांसमिशन की शुरुआत की? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है आप चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। तो ऑप्शन छत्तीसगढ़ में 5G स्कूल ट्रांसमिशन। 5G होता क्या है? तो 5G होता है कि क्या क्या डेवलप, 5G ट्रांसमिशन होता क्या है? सबसे बड़ी बात होती है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाना, डिजिटल और स्मार्ट क्लासेस लाना, ई लाइब्रेरी, लेबोरेटरी लाना, एडवांस एजुकेटेड इन्वायरमेंट बनाना, ठीक है, तो ये लर्निंग प्रोसेस में मदद करता है। हाल ही में किस राज्य में महंगाई शिविर लगाया गया है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में महंगाई शिविर लगाया गया? समय समाप्त। राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ठीक है। तो हाल ही में राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम जो है बनाया जाता है, ठीक है। तो हाल ही में 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया गया। हाल ही में किस देश का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर लैंडिंग के असफलता के बाद गुम हो गया है? हाल ही में किस देश का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर लैंडिंग के बाद असफलता के बाद गुम हो गया है? जापान, रशिया, चीन, अमेरिका। तो लैंड करते करते गुम हो गया है। समय समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर होगा जापान। तो जापान की अगर हम बात करते हैं, भारत ने जापान को छोड़कर विश्व का तीसरा बड़ा ऑटो उत्पादक बन गया है। भारत ने जापान को ओवरटेक कर लिया है। जापान में समलैंगिक कपल के लिए, यानी कि जिनको एलजीबीटी कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है, एलजीबीटी कम्युनिटी होती है, इनके लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र की योजना जो है वो शुरू करी। कहता हाल ही में मन की बात जो 100वां, क्योंकि मन की बात कार्यक्रम जो है वो 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, इसमें किसने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, जेपी नड्डा। फटाफट से बताएंगे। हाँ, पहला नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे। समझ कहता हाल ही में मन की बात 100 में किसने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? समय आपका समाप्त है। जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है वो हमारे उप मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के हमारे क्या हैं, राज्यसभा के चेयरपर्सन है जगदीप धनखड़। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। पीयूष गोयल जो है वो क्या है, कौन से मंत्री, फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। और जेपी नड्डा है हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे इंडिया के अध्यक्ष। हाल ही में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी कौन करेगा? हाल ही में तीसरे इन पर्सन क्वाड की समिट की मेजबानी जो है वो कौन करेगा? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसमें से कोई नहीं। हाल ही में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी कौन करेगा? समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है। टाइटन ऑफ बिज से रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। तो मेजबानी क्वाड समिट की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबेरा है, ठीक है, क्या है, कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी देश न्यूजीलैंड है और पापुआ न्यू गिनिया है। ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी देश न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनिया। कहता टाइटन ऑफ बिज रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया से सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे इंडिया में भारत रत्न होता है,
वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में टाइटन ऑफ विज है, ठीक है। चलिए, हाल ही में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? शेख हसीना, शेख सलाउद्दीन, मोहम्मद साहबुद्दीन, नरेंद्र मोदी। हाँ बहुत बढ़िया, समय आपका स्वागत है। मोहम्मद साहबुद्दीन ऑप्शन सी इज राइट आंसर। शेख हसीना जो है वो यहां की प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री शेख हसीना। मोहम्मद साहबुद्दीन ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हाल ही में साइकिलिंग महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संदीप सिंह, अनुराग ठाकुर, पंकज सिंह, नरेंद्र मोदी। तो समय इसका समाप्त हुआ, पंकज सिंह इसका सही उत्तर है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, पंकज सिंह। तो पंकज सिंह राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं और यूपी के नोएडा से वो हैं, एमएलए हैं, ठीक है, नोएडा से। हाल ही में किसे 64 साल बाद रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार मिला? हाल ही में किसे 64 साल बाद रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? जेलेंस्की, दलाई लामा, आंग सान सू की, किम योंग होन। समय आपका समाप्त हुआ, दलाई लामा इसका राइट आंसर है, 64 साल दलाई लामा को मिला है। हाल ही में हुई किस राज्य सरकार के 3 नए संरक्षण अभियान की घोषणा करी? कर्नाटक, केरला, राजस्थान, हरियाणा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? समय समाप्त हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन सी राजस्थान, गवर्नर कलराज मिश्रा। तो इसके मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, तो गहलोत जी, गहलोत सरकार, ठीक है, गहलोत। हाल ही में स्मोक एंड एशेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? करणपुरी, अमिताभ घोष, आशीष कुंद्रा, अमिताभ बच्चन। बहुत बढ़िया, समय समाप्त। ऑप्शन बी अमिताभ घोष इसका राइट आंसर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की? यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, अमेरिका या श्रीलंका। इसका समय समाप्त, इसका राइट आंसर होगा यूके, ठीक है। यूके में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। जागृति यादव एक दिन के लिए यूनाइटेड किंगडम की उच्चायुक्त बनाई गई। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात निगोली को मंजूरी दी, फर्स्ट अबॉर्शन पिल? तो राइट आंसर क्या होगा? चीन, भारत, जापान, थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान इसका राइट आंसर। हाल ही में महिला सम्मान बचत पत्र योजना किसने शुरू करी? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, ठीक है। अभी 3 ही करंट अफेयर रह गए, 3 ही रह गए बस, ये समय समाप्त होने वाला है। 3-4 ही रह गए बस, इसके बाद खत्म होने वाला है। समय आपका समाप्त हुआ, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी। आप भी यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 1 मई, 2 मई, 3 मई या नन ऑफ दीज। तो भारत का रैंक 161वां है, ये आ सकता है पेपर में, भारत का रैंक 161वां है। समय समाप्त हुआ, ऑप्शन 3 मई इसका राइट आंसर। हाल ही में किसने बिहार के बाद किस राज्य को ने पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा। समय समाप्त हुआ, तो ऑप्शन जो है वो ओडिशा इज राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? उसका नाम है क्या है आपका? इसराइल। तो इसराइल इसका राइट आंसर है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ए के मोहंती, देवदत्त, चंद्रशेखर, शेखर वेम्पति। तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देवदत्त चंद्र। हाल ही में वेकफीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अक्षय कुमार, विराट कोहली, आयुष्मान खुराना, विशाल कुजुरिया। तो ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना इसका राइट आंसर है। तो कोरियाई ब्रांड एम्बेसडर लेनीस की अथिया शेट्टी बनी है, केबीएम स्पाइसेस की परिणीति चोपड़ा। कहता हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग कहां शुरू किया गया? वेयर हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेंचाइज चेस लीग हैज बीन स्टार्टेड? रोम, दुबई, पेरिस, कनाडा। तो समय समाप्त, तो दुबई इसका राइट आंसर। रिसेंटली हु हैज बीन इनवाइटेड एज गेस्ट ऑफ ऑनर द बेस्टल डे परेड फ्रांस? हाल ही में किसने फ्रांस की बेस्टल डे परेड में सामान्य अतिथि के रूप में निमंत्रित किया गया है? डॉक्टर एस जयशंकर, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी। समय आपका समाप्त, नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर। बेस्टल डे परेड देखना चाहते हो? यह बेस्टल डे परेड, ये होती है बेस्टल डे परेड, जैसे हमारी रिपब्लिक डे परेड होती है, ठीक है, हमारी स्वतंत्रता दिवस परेड होती है, ये होती है बेस्टल डे परेड, ये फ्रांस में होती है। यहां पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को यहां पर बुलाया गया बेस्टल डे परेड में, ठीक है। काफी खूबसूरत टैंके हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया नजारा यहां पर दिखता हुआ। कहता है रिसेंटली हुआ इज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन कोल इंडिया? हाल ही में किसे कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष में रूप में चुना गया? संदीप सिंह, नितिन प्रांजे, पोलाराबू, एम प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। समय आपके साथ, पोलाराबू एम प्रसाद। तो पोलाराबू एम प्रसाद जो है
यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक निदेशक देवदत्त चंद्र को नियुक्त किया गया है। 17वें कमांडर इन चीफ को बालकृष्ण के रूप में नियुक्त किया गया है। कहते हैं रिसेंटली, आपने इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आपने इसका आंसर बताना नीचे कमेंट सेक्शन। कहता है डिज्नीलैंड की तर्ज पर रामालैंड किसने बनाना शुरू कर दिया गया है, मतलब इसको मंजूरी दे दी है, किस राज्य ने दे दी है, और पूरे डिटेल में आंसर बताना है। तो अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं, इकोनॉमिक्स से लेकर के पॉलिटी, पॉलिटी से लेकर के, ठीक है, आपका रीजनिंग, तो रीजनिंग से लेकर के आपका मैथमेटिक्स, ठीक है, तो मैथमेटिक्स से लेकर के आपका इंग्लिश, डीप लेवल के इंग्लिश से लेकर के आपका ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से लेकर के आपका हिस्ट्री, यानी कि जितना भी जीएस होता है, ठीक है, जीएस जितना भी होता है, ये सारी की सारी क्लासेस आपको मिलेंगी सिर्फ 49 रुपीज में, 49 रुपीज में, लाइव भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, डेली पीडीएफ मिला करेगा, क्वेश्चंस मिला करेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, ये नीचे नंबर है, इस पे गूगल पे कर सकते हैं आप। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका इस सेशन में आने के बहुत बहुत धन्यवाद, आपका नाम आएगा जो अपने लास्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, आपका नाम आएगा इन दिस सेशन, बिल्कुल बढ़िया। तो वीकली रिवीजन जो है वो आपकी आई थिंक हो चुकी होगी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सेशन कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल, आपसे भी यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर से, तब तक जय हिंद जय हिमाचल, टेक ऑल द बेस्ट।